तो डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में इस बार ऑडियंस को रफू चक्कर करने वाले हैं मनीष पॉल एंड अक्षय जी। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेलर है मैंने देखा एंड बहुत ही मतलब आप लग नहीं रहे कि ये मनीष पॉल है। डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में जैसे कि हम पोस्टर में भी देख रहे हैं ट्रेलर में भी देख रहे हैं, तो सबसे पहले बताइए कि आपका कौन सा वाला फेवरेट लुक है एंड सबसे ज्यादा मेहनत किस पे करनी पड़ी? यार एक्चुअली मेहनत सब पे ही बहुत करनी पड़ी क्योंकि हर एक का डिफरेंट लुक है। किसी में वेट गेन है, किसी में वेट कम करना पड़ा, किसी में बॉडी बिल्डर बनाऊं, किसी में ओल्ड मैन बनाऊं, बट सब में अलग फाइट थी। किसी में प्रोस्थेटिक्स बहुत है, जो ओल्ड मैन बनाओ उसमें काफी प्रोस्थेटिक्स लगाना पड़ता है, उसमें समय बहुत जाता है, 4-4.5 घंटे का मेकअप होता है, 1 घंटे में उतरता है, गर्मी बहुत लगती है, बहुत इचिंग होती है, लेकिन करना है। वेट गेन किया इस किरदार के लिए जो पवन है, और बॉडी बिल्डर के लिए वापस शेप में आना पड़ा। तो आई थिंक एक काफी जर्नी रही है, एक प्रोसेस रहा है इसके लिए, बट द जर्नी हैज बीन ब्यूटीफुल। लोगों को ट्रेलर बहुत पसंद आया है, बस वेट कर रहा हूँ कि लोग वेब सीरीज देखें जल्द और उसे भी पसंद करें। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, ट्रेलर बहुत ही पसंद आ रहा है लोगों को एंड आपका कॉप का किरदार है, तो जब इसने डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में जब रफू चक्कर करने वाले हैं तो कितना इजी होगा आपके लिए, कितना टफ हो जाएगा आपके लिए इनको कैच करना, पकड़ना है? वो तो आपको सीरीज देख के ही पता चलेगा। आई थिंक वही तो मजा है, बिकॉज हम ये कैट एंड माउस जो चेस है, ये भाग रहे हैं, कौन कर रहे हैं और हम जो हैं उनके पीछे लगे हैं। आई थिंक वही इंटरेस्टिंग है, कैसे बच के निकल रहे हैं या कैसे पकड़े जा रहे हैं, अभी वो सीरीज देख के ही पता चलेगा। बिल्कुल। तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए मनीष पॉल के साथ में काम करना, या इजी रहा? क्योंकि यहाँ तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में प्रेजेंट है, लेकिन बहुत ही ह्यूमर इनका कमाल का है। हम चाहे वो इनके शो में देख ले या फिर इनके अवार्ड फंक्शन इतना होस्ट करते हैं, आपके लिए कितना इजी था या टफ था? आई थिंक मेरे लिए यू नो, जब आपके एक्टर्स, आपके को एक्टर्स जो हैं, जो उतने ही डेडिकेशन से सेट पर आते हैं जो आप लेकर आते हैं, आई थिंक आपका काम बहुत आसान हो जाता है। और हम सबका एक ही इंटेंशन था कि हम सीरीज अच्छी बनाएंगे एंड मनीष एज अ कोस्टार इज वेरी वेरी गिविंग। कभी भी उन्होंने कभी कई बार ऐसे हो जाता है कि यू नो, वो उनका गेटअप ऐसा था और काफ़ी टायरिंग प्रोसेस था उनके लिए, लेकिन वेन एवर आई रिक्वेस्टेड कि आप प्लीज़ रहिए यू नो, बिकॉज आई नीड यू इन द सीन सो दैट मेरा भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा, सो ही वॉज ऑलवेज देयर। इनफैक्ट कई बार उनका पैकअप हो जाता था, बट आई ऑलवेज रिक्वेस्टेड हिम एंड ही वॉज ऑलवेज देयर। सो आई थिंक जब एक को एक्टर्स के बीच में जब गिव एंड टेक अच्छा होता है, आपका काम बहुत अच्छा हो जाता है और सीरीज अच्छी हो जाती है। सो आई थिंक इट वॉज वेरी ईजी वर्किंग विथ हिम बिकॉज ही इज दैट गिविंग एज अ कोस्टार। ऐसे लाइव जब इतनी सारी तारीफें हो रही होती है मनीष जी, क्या फील करते हैं आप? मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, थैंक अरे रिएक्शंस नहीं आते, मुझे समझ नहीं आता, बिकॉज आई फील ब्लेस्ड कि लोगों से इतना प्यार मिलता है, को स्टार्स से इतना प्यार मिलता है। बट आई थिंक ऑल आई हैव टू से इज यार, टीम ही बहुत प्यारी थी, यू नो, सबने बहुत, सिर्फ मेरी बात नहीं है यहाँ पे, सब, चाहे अक्षा की बात करें, चाहे प्रिया की बात करें, चाहे सुशांत जी की बात करें, चाहे हमारे डायरेक्टर रितम की बात करें, चाहे हमारे प्रोड्यूसर्स की बात करें, कार्तिक एंड अर्जुन, यू नो, सबने बहुत साथ दिया एक दूसरे का, क्योंकि काफी चैलेंजेस भी आए। हमने बहुत अलग अलग लोकेशंस पे शूट किया है, कई बार हम शूट कर रहे थे, उन दिनों बारिश बहुत तेज हो गई, तो काफी मुश्किलों का सामना भी उठाना पड़ा। आउटडोर शूट था, उसको शिफ्ट होकर इनडोर जा रहा है, यू नो, बड़ी सारी चीजें हैं। बट आई थिंक मजा तभी आता है जब सब एक परिवार की तरह काम करते हैं, कोई कंप्लेंट्स और क्रिबिंग नहीं थी, सब बड़े कूल थे सेट पे, तो उन चीजों से आई थिंक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड जब आपको बताया गया कि पता चला कि इस तरह से कोई सीरीज या फिल्म आपको करनी है डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में, क्योंकि जब जब हम मनीष पॉल का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि मनीष पॉल कुछ कॉमेडी करने वाले हैं, मनीष पॉल कुछ धमाल करने वाले, लोगों को हंसाने वाले, लेकिन यहाँ इस बार डिफरेंट है अंदाज में आप आ रहे हैं, तो कितना क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में जब आपको सबसे पहले बताया गया, एंड कितना चैलेंजिंग था आपके लिए ऑडियंस के सामने डिफरेंट डिफरेंट लुक में प्रेजेंट होना? यार बिल्कुल चैलेंजिंग तो था, इजी तो नहीं था, बिकॉज मेरी एक छवि बनी है, लोग उसे पसंद करते हैं, पर एक एक अलग रूप में आना, आई थिंक एक हर एक एक्टर चाहता है कि कुछ अलग करे, और जब ये आया ऑफर मैं बड़ा एक्साइटेड था, एंड रितम जो डायरेक्टर है उनसे बात हुई, उन्होंने बोला, कहते नहीं मैं चाहता हूँ तुम ऐसा कुछ करो,
तो एज एन एक्टर मैं भी ये करना चाह रहा था एंड जो स्क्रिप्ट बहुत कमाल की थी, को एक्टर्स बहुत कमाल के थे, तो आई थिंक मैं बस घुस गया काम में. मैंने कहा यार बिल्कुल किया जाए और आई थिंक बहुत बहुत अच्छा डिसीजन रहा, बहुत बहुत मजा आया ये काम करके. लोगों को ट्रेलर पसंद आ रहा है, होप वेब सीरीज भी पसंद आया और होप लोगों को वो पसंद आए जो मैंने इसमें भी किया है. बिल्कुल बिल्कुल. प्रीतम जी ने जब आपको ये बताया कि इस बार आपको प्रेजेंट करना है तो कितना आपके लिए हर लुक के लिए आप लाइक वर्कशॉप करना पड़ता था? हर लुक के लिए यार, क्योंकि कोई भी जो इसमें मैं किरदार निभा रहा हूँ वो कोई भी मनीष पॉल है ही नहीं. वो बिल्कुल ही अलग है. तो मैं जनरली अगर आप जुग जुग जियो भी देखें तो थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी मनीष की थी उसमें, मस्त एकदम हैप्पी गो लकी गुड ह्यूमर, पर इस सीरीज में वो बात नहीं है. ये बिल्कुल अलग है, ये इंटेंस है, ये एक थ्रिलर है, कोर्टरूम ड्रामा है. इसमें हर जो मेरा किरदार है वो बिल्कुल अलग है फ्रॉम व्हाट आई डू. तो मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ी हर कैरेक्टर के लिए. जो बेस कैरेक्टर है, जो प्रिंस पवन का किरदार निभा रहा जो ये है, उसके लिए बिल्कुल सटल रहना पड़ा, वेट गेन करना पड़ा. बाकी कैरेक्टर्स जो है, कोई फ्लैम्पॉइंट है, कोई थोड़ा एग्रेसिव है, कोई एक ओल्ड है, तो हर एक का लहजा अलग है, हर एक का बोलने का तरीका अलग है, चाल अलग है, उनके मैनरिज्म अलग है. तो हर एक कैरेक्टर पे काम करना, उन्हें याद रखना, क्योंकि कई बार एक ही दिन में दोनों कैरेक्टर निभाने पड़ रहे थे, तो उनमें काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े. बट टीम बहुत कमाल होती है तो सब आसान हो जाता है. डायरेक्टर बहुत कमाल हो तो अच्छा हो जाता है. तो मैंने तो सरेंडर कर दिया था अपने आप को कि भैया रितम आप जो कहेंगे मैं कर रहा हूँ, एंड आई थिंक दैट इज हेल्प मी. बिल्कुल. आपके लिए कौन सा लुक सबसे आपको पसंदीदा रहा? इनका मुझे पवन कुमार बावरिया का कैरेक्टर बहुत पसंद है. हालांकि मैं जो सतीश का कैरेक्टर है, पहली बार जब मैंने उनको उस गेटअप में देखा था तो मैं काफ़ी शॉक हो गई थी. वो आई थिंक कूडोज टू द मेकअप आर्टिस्ट, उन्होंने जो कलाकारी दिखाई है आई थिंक इट्स अमेजिंग. एंड आई थिंक मैं जितनी मैं तो उनके साथ काम कर रही थी, लोग उनको स्क्रीन पर देखेंगे तो आई थिंक पीपल विल बी रियली रियली शॉक्ड. बट आई रियली थिंक दैट जो इंटरेक्शंस, जो सीन्स पवन कुमार बावरिया के साथ मेरे जो इंटरेक्शंस हैं शौर्या के, वो बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही डायनामिक है और बहुत फायर है उसमें. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड के लोग वो देखें. एंड जिस तरह से पिछले कुछ एक टाइम से ऑडियंस ने आपको बहुत ही पसंद किया है, जैसा कि ट्रेलर का बहुत ही वार्म रिस्पॉन्स मिल रहा है, सो कुछ कहेंगे आप ऑडियंस को? आई थिंक थैंक यू से बड़ा सेंटिमेंट कुछ ग्रेटिट्यूड, आई थिंक उससे बड़ा सेंटिमेंट हो नहीं सकता. बिकॉज आई थिंक दैट मैं एक्टर खुद के लिए बनी थी. मैं बहुत ही आई थिंक मुझे जो ये प्रोसेस है एक्टिंग का, एक्शन और कट के बीच में जो होता है, वो उस चीज़ के लिए मैं एक्टर बनी. एंड जब आप कुछ चीज़ करते हो जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जैसे मेरा पैशन मेरा प्रोफेशन बन गया. एंड यू नो वो करने के बाद जब लोगों का प्यार मिलता है, दैट इज़ एन एडेड बोनस. सो आई थिंक थैंक यू. आई थिंक ग्रेटिट्यूड इज समथिंग. अनिश जी, अकॉर्डिंग टू यू, आप इंडस्ट्री में तो सभी आपके दोस्त हैं, मैं देखता हूँ आप, so, आपको क्या लगता है कि आपको छोड़ के सबसे बड़ा रफू चक्कर कौन है? आप उसे सोचते हैं कि वो आपके बाजू में, लेकिन वो निकल गया, गायब हो गया. सबसे बड़ा रफू चक्कर आई थिंक रणवीर सिंह. रणवीर बहुत, क्योंकि वो अभी इधर होता है, इधर आ जाता है, फिर वो एकदम मस्ती में आता है, फिर जब वो कोई इंटेंस फिल्म करता है तो समझ नहीं आता कि ये वही रणवीर है. तो आई थिंक वो जो शिफ्ट मारता है ना, कमाल है वो. बिल्कुल. चलिए, तो 15th ऑफ जून को ये जो रफू चक्कर आ रहा है, ऑडियंस को कुछ कहेंगे जियो सिनेमा पर? वो भी फ्री है इस बार? या बिल्कुल फ्री है, और 15 जून को आ रहा है जियो सिनेमा पे. कुछ नया करने की कोशिश करी है रफू चक्कर, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजा आएगा आपको, काफी कमाल की स्टार कास्ट है, सबने बहुत दिल से और बहुत बढ़िया काम किया है. सो आप लोग देखें, मैं यकीन से कह सकता हूँ आपका बहुत मन. चलिए, सुपर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. गुड लक. थैंक यू जी.